गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट लोक प्रशासन की पिछली क्लास के अंदर अपन वर्तमान भारतीय प्रशासन की जो मुख्य विशेषताएं थे दो पॉइंट पढ़े थे, उसके आगे अपन बात करें तो तीसरा पॉइंट आता है भारतीय प्रशासन की विशेषताओं का संघीय ढांचे का प्रभाव। संघीय ढांचे का प्रभाव, इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। अतः संघीय स्तर पर केंद्र सरकार तथा राज्यों में प्रांतीय सरकारें कार्य करती है। संविधान की 7वीं अनुसूची में शासन के कार्यों को संघीय प्रांतीय तथा समवर्ती सूचियों में विभक्त किया हुआ है। अब अपन जो हमारे भारत का संविधान है, इस संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है, बहुत सारे राज्य हैं, उनका एक संघ बना हुआ है। ये अपने भारत देश के अंदर जो इतने राज्य हैं उन राज्यों का एक संघ बनकर भारत कह रहा है। मतलब बहुत सारे राज्य मिलकर एक पूरा भारत देश बनता है, तो राज्य सरकार अलग है और केंद्र सरकार अलग है। तो इन राज्यों का शासन, वैसे दोनों जगह का शासन हमारे संविधान के अनुसार संचालित होता है, लेकिन क्या है, राज्यों का शासन संचालित करने के लिए हमारे राज्यों के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद कार्यरत होती है और केंद्र के अंदर, संघ के अंदर हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्यरत होती है। दोनों जगह पर दोनों की सरकारें अपना अपना कार्य करती है। संघीय सरकार केंद्र सरकार और राज्य में प्रांतीय सरकारें, जो हमारी राज्य सरकारें हैं, अपने अपने कार्य करती है। और संविधान की जो हमारे 7वीं अनुसूची है, उस अनुसूची के अनुसार हमारे यहाँ पर प्रशासन और शासन के कार्य को तीन भागों के अंदर, तीन सूचियों के अंदर विभक्त कर दिया गया है। तीन सूचियां हैं, संघ सूची, फिर आती है प्रांतीय सूची और फिर आती है समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर जितने भी संघ के कार्य हैं, केंद्र के कार्य हैं, वो संघ सूची के अंदर आते हैं और प्रांतीय सूची के अंदर जितने हमारे राज्यों के कार्य हैं वो हमारे राज्य सूची के अंदर आते हैं और कुछ कार्य केंद्र और राज्य के दोनों के कार्य समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे सेना से संबंधित कार्य, जैसे विदेशों से संबंधित कार्य, ये कार्य हमारे केंद्र सरकार के पास में है, संघ सरकार के पास में है। इसके बाद में जो अन्य कोई कार्य है वो कार्य हमारे राज्य सरकारों के पास में है, राज्य सरकार को दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये संघीय ढांचे का प्रभाव है। इसके बाद में अपन देखें चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित। हमारा जो यहाँ की विशेषता है, चौथी विशेषता है लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर आधारित है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने जनता जनार्दन के हाथों में सत्ताधीशों का चयन तथा नियंत्रण की प्रणाली विकसित की गई। हमारे यहाँ पर जनता के हाथ में ही सब कुछ है, जनता ही हमारे यहाँ पर जो सत्ता के ऊपर जो भी शासक बैठते हैं, उन शासकों को, उन सत्ताधीशों को चुनकर भेजने वाली कौन है, जनता ही है। मतलब इसीलिए कहा जाता है उनका चयन जनता ही करती है, तब जाकर ही वो शासनाध्यक्ष कहलाते हैं, शासक कहलाते हैं या सत्ताधीश कहलाते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत देश के अंदर हमारे यहाँ पर संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहलाता है। ब्रिटेन से हमने ये लिया है कि भारत ब्रिटेन की तरह ही संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है। मतलब हमारे यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता होती है। फिर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि न केवल विधायिका में कानून निर्मित करते हैं
इसके बाद में हम देखेंगे पांचवा पॉइंट आता है कल्याणकारी प्रशासन। आपको एक चीज बता दूं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र है। लोक कल्याणकारी का मतलब है हमारे यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। इसी के तहत आम व्यक्ति की समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशासनिक संगठन कार्यरत है। भारतीय लोक प्रशासन भी भोजन वस्त्र आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं सहित शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा परिवहन संचार पेयजल रोजगार तथा न्याय इत्यादि सेवाओं की व्यवस्था एवं संचालन करता है। हमारे भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक संगठन हैं वो करते हैं। अब हमारे यहाँ भारतीय लोक प्रशासन के अंदर जितने भी लोग भारतीय लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की ऐसा व्यक्ति जो असहाय है बुजुर्ग है जिनके पास में रहने को नहीं है खाने को नहीं है पहनने को नहीं है उनके लिए हमारा प्रशासन व्यवस्था करता है। तो मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ जैसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं मूलभूत आवश्यकताएं अपने में से तीन चीज सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी खाने के लिए पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकान इन मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ में हमारा जो प्रशासन है यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल परिवहन संचार तथा रोजगार की व्यवस्था का कार्य भी करता है। तो कल्याणकारी प्रशासन के तहत हमारे लोक प्रशासन में एक बात कही गई है कि हमारा लोक प्रशासन बच्चे के जन्म के पूर्व से लेकर व्यक्ति के मर जाने के बाद भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कार्य करता है। अब वो कैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म के पूर्व से लेकर जब महिला गर्भवती महिला होती है उस गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया लेकिन उस बच्चे के लिए दवाई पहले से चालू हो जाती है। तो स्वास्थ्य संबंधित ये जो दवाइयां है वो हमारे प्रशासन के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से मृत्यु के पश्चात मृत्यु के बाद में हमारे यहाँ पर एक चीज चलती है LIC भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम व्यक्ति की मृत्यु के बाद में भी कार्य करता है। ये दोनों ही चीज जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद हमारे यहाँ का प्रशासन ही कार्य करता है जो इस कल्याणकारी प्रशासन के अंतर्गत आता है। अब छठे नंबर पर अपन जो भारतीय प्रशासन की विशेषता का पॉइंट है वो है विकासोन्मुख प्रशासन। विकासोन्मुख प्रशासन में कल्याणकारी राज्य के दायित्वों तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास को द्रुत गति प्रदान करने के लिए आर्थिक नियोजन की प्रणाली अपनाई गई है जिसके अंतर्गत संघीय स्तर पर कार्यरत योजना आयोग पंचवर्षीय विकास योजनाएं निरूपित करता है। तो कल्याणकारी राज्य के दायित्वों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारे राष्ट्र में अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। ये योजनाएं हमारे राष्ट्र के विकास कार्यक्रम से संबंधित है। हमारा राष्ट्र किस प्रकार से विकास करेगा इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई जाती है और एक वर्षीय योजनाएं भी बनाई जाती है। ये सभी
योजनाएं हमारे राष्ट्र